एनआरसी नागरिकता बिल तो कैबिनेट ने पास कर दिया है, वो संसद में भी आएगा और मैं और राज्यसभा में भी उनके पास ठीक ठाक नंबर लग रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप क्या करेंगे? हम तो इस बिल की मुखालिफत करेंगे, पिछले बार भी लोकसभा में मैंने इसको अपोज किया था, इस बार भी अपोज करेंगे। और अपोज इसलिए करना ज़रूरी है, ना सिर्फ मुझे बल्कि हर पॉलिटिकल पार्टी को और हर उस देश के सिटीज़न को जो हिंदुस्तान के संविधान पर अटूट भरोसा रखता है। और हमारा जो संविधान, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने बनाया, उसमें सिटीज़नशिप को रिलीजन से नहीं जोड़ा गया। और ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि ये बीजेपी की सरकार अपना असली चेहरा दिखा रही है, जो अब तक धोखा दे रही थी कि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि संविधान मेरे लिए सबसे पहली चीज़, आखिरी चीज़ है। आज उनका खुल गया कि वो अपनी आइडियोलॉजी पर अमल कर रहे हैं, संविधान पर नहीं। और दूसरी बात यह है कि कैसे आप आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन करते हैं। अगर आप आर्टिकल 14 संविधान की पढ़ेंगे, जो फंडामेंटल राइट है, उसमें वो अप्लाई होता है हर एक शख्स को, लफ्ज सिटीजन का जिक्र नहीं है उसमें, तो उसका वायलेशन है। तीसरा ये है कि आप उन टैमिलियंस को क्या करेंगे जो 30 साल से तमिलनाडु में रह रहे हैं, वो भी तो हिंदू हैं, उनका जिक्र नहीं करते आप। नहीं, उसमें तो है कि जितने भी हिंदू हैं ना, क्रिश्चियन हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं बाबा सुनिए, उसमें क्या कह रहा है कानून, जो मीडिया ने अब तक रिपोर्ट किया है कि वही माइनॉरिटीज जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, आपने श्रीलंका का उसमें निकाल दिया, उसमें श्रीलंका का निकाल दिया, तो और इनका मकसद ये है कि सीएबी लाने के बाद पूरे देश में एनआरसी करेंगे, तो इसको आप आइसोलेशन में मत देखिए, सीएबी को इसलिए तो इसको आइसोलेशन मत देखिए। अब जब सीएबी के बाद एनआरसी आएगा तो उन सबको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, सिटीजनशिप मिल जाएगी जो मुसलमान नहीं है, और मुसलमानों डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे आप, तो मुसलमानों को तो सेकंड क्लास नहीं बल्कि आप स्टेटलेस बनाना चाहते हैं इस कानून के जरिए। पूरे देश में जब एनआरसी होगा तो पूरे मुसलमानों को स्टेटलेस बनाना चाहते हैं आप, यह उनका असल मकसद है। इसलिए हम कह रहे हैं कि यह टू नेशन थियरी की याद दिलाता है, इस देश को मजहब के नाम पर ये लोग बांटने की मोदी सरकार कोशिश कर रही है। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और देश के लोग इसकी मुखालिफत करना चाहिए।